ये कब तक जिंदा रह सकता है? ये 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। एक मिनट में आता हूँ सर। इसको स्टार फिश भी बोलते हैं। ये देख लें भाई जान, स्टार फिश। और इसको ऑक्टोपस भी बोलते हैं। अच्छा, ऑक्टोपस ये जिंदा नहीं दिखा रहा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कमरे के ऊपर बिल्कुल फ्री था, मैंने कहा क्यों ना फ़िश मार्केट जाएं और आपको फ़िश मार्केट दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर क्या फ़र्क है और जो दुबई की मार्केट है इसके अंदर क्या फ़र्क है। तो मेरे इस तरफ ये जितने भी ये आप स्टॉल देख रहे हैं सभी के सभी फ़िश के लगे हुए, इसके अंदर और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हलाल हैं जो लोग खाते हैं। मैंने वो पहली दफ़ा देखी हैं, आपको भी दिखाते हैं कि उनका नाम क्या है और वो कितने रुपये किलो हैं यहाँ पर। तो आपने हमारे साथ रहना है इस पूरी वीडियो के अंदर। अभी हम मार्केट के अंदर विज़िट कर रहे थे तो यहाँ पे ये एक स्टॉल लगा है। तो ये अंकल जान जो हैं ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। क्या नाम है अंकल जान का? मेरा नाम मोहम्मद चिराग तारिक है। कहाँ से आप जी? मैं पाकिस्तान लोधरा से हूँ जी। लोधरा से हैं, चले सही हो गए। हमें आप बताएंगे ये क्या क्या चीज़ें और इनके नाम क्या हैं, ज़रा उठा के दिखाएँ हमारे सब्सक्राइबर को। जी है जी, ब्लू क्रैब है सर। ये लोकल भी आता है, ओमान से भी आता है और हमारे पाकिस्तान से भी आता है। ब्लू क्रैब। अच्छा, ये समंदर से पकड़ते हैं ना? जी, समंदर से आता है ये। सही, समंदर से पकड़ते हैं सर। और इसके बाद ये प्रॉन्स है, इंग्लिश में इसको प्रॉन्स बोलते हैं, वैसे झींगा बोलते हैं अरबी लोग, हर जबान वाले अपनी जबान में इसको बोलते हैं। अच्छा, ये झींगा है। झींगा पेट्रोल महंगा होने के बाद ये कितने रुपए किलो है? ये 55 रुपए किलो है। अच्छा, 55 रुपए किलो, सही हो गया। और इसके बाद ये आगे ये है जी, ये मीठे पानी का झींगा है सर। ये मीठे पानी का झींगा है सर। ये इसको थोड़ी साइड चेंज करें, ये देख लें भाई, फार्म का झींगा भी कहते हैं। सही हो गया, फार्म का। और इसे आगे, इसे आगे फिर वही पहले वाला झींगा है। इससे आगे फिर है वाइट कलर में, ये भी झींगा है। ये अपने ग्वादर से आता है, पाकिस्तान से। अच्छा, ये पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से आ रहा है, सही हो गया जी। और ये भी जो पहले मैंने आपको दिखाया ना सेंटर वाले को छोड़ के, अच्छा, ये बाकी पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ का है ना? सही, ये सबसे बड़ा जो झींगा है टाइगर पॉन्स, ये सबसे बड़ा झींगा है जी, इसको टाइगर पॉन्स कहते हैं। टाइगर और ये भी पाकिस्तान से आता है। ये कितने का हो गया? ये किलो 80 दिरहम है भाई जी। 80 दिरहम का किलो पाकिस्तान से आता है हमारे? ये पाकिस्तान से आता है। सही हो गया, मैं सही हो गया। और मेरे स्टॉल पे तकरीबन सर ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान की पड़ी हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मछली के अंडे हैं। मछली के अंडे, ये भी खाने के लिए? जी जी। अच्छा, ये मछली के अंडे हैं जी। ये देख लें भाईजान, जिंदगी में पहले तो हम मछली के अंडे देखे हैं। मछली के अंडे ये यहाँ के लोकल हैं भाईजान। अच्छा, और ये पाकिस्तान के हैं सर। सही हो गया, ये पाकिस्तान से भी आते हैं सर। सही। इसके अलावा ये क्या चीज़ है नीचे वाली? ये स्क्विड है, इसको नगर भी बोलते हैं। क्या चीज़ है? स्क्विड। स्क्विड, ये फिश, फिश है ये जी? ये भी फिश है, मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, मछली पकड़ने के लिए, यानी कि वो कुंडी में लगा के? जी जी जी, इसको काट के ना, हाँ जी, फिर कुंडी में लगाते हैं या वैसे ही जहाँ पे मछली पकड़नी हो, हाँ जी, तो वो समंदर में डाल देते हैं, मछलियाँ सारी आ जाती हैं। जी, मछली को जाल डाला होता है पहले, तो जब इसको डालते हैं तो मछली खाने के लिए इसको आती है तो फिर पकड़ते हैं। जी जी, ये मसल है जी, ग्रीन मसल, ये भी अपने पाकिस्तान से आते हैं। ग्रीन मसल, ग्रीन मसल, मसल ये पाकिस्तान से आते हैं। इसका तो ऊपर से हार्ड है, खोल है ना? जी, इसका कवर है, इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ सर जी। ये इसके अंदर जो मीट है ना? अच्छा, ये वाला, यानी मीट खाने के अंदर, खाने के अंदर मीट है। जी जी, किसका? इसको फ्राई भी करते हैं, ग्रिल भी करते हैं और इसका ज़्यादातर सूप भी बनाते हैं। सही हो गया जी। और ये सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर। सही। और ये है नई एक वैरायटी है, इसको रेजर शेल बोलते हैं। रेजर, रेजर शेल। अच्छा, और ये भी अपने पाकिस्तान से आ रहा है सर, समंदर से? जी, ना ये इंडिया में है। अच्छा, ना ये यहाँ दुबई में है, ये पाकिस्तान से आता है सर। कितने रुपए किलो है ये? ये एक पैकेट मिनिमम बेचते हैं 25 से 30 रुपए में। 25 से 30 दिरहम का एक पैकेट? एक पैकेट सर। सही हो गया जी सर। और ये, ये भी रिंग शेल है भाई। अच्छा, और ये वाइट वाले शेल है, ये अपने पाकिस्तान से भी आते हैं। अच्छा, और ये ओमान से भी आते हैं। सही जी, ये भी वाइट शेल है। इसके बाद ये बाकी, ये मड क्रैब है, ये बड़ा सा है, मड क्रैब। मड क्रैब, मड क्रैब, ये ऊपर से हार्ड है ना? जी जी, ये बड़ा साइज है। अच्छा, और ये डिफरेंट कंट्री से आता है। सही। तो
इसमें छोटा साइज है वो पाकिस्तान इंडिया से आते हैं। अच्छा, वो लाइव मेरे पास पड़े हुए। अच्छा चलो वो भी देखते हैं। ये कितने रुपए किलो है या पीस का हिसाब होता है इसका? नहीं किलो का हिसाब है, या किलो 40 रुपए। और ये? ये कटल फिश है इसको बोलते हैं। खाइए इसे। ये कटल फिश है सर। ये देख लें भाईजान, कटल फिश। कटल फिश ये अपना यहाँ का समंदर में या पाकिस्तान से? ये नहीं, ये यहाँ का, ओमान से आता है और यहाँ से भी होता है। ये ओमान से आती है जी? ओमान से भी आती है और यहाँ लोकल भी होती है। ये अरबी लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। सही। और मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये वाले, ये है जी स्टार फिश बोलते हैं इसको। इसको स्टार फिश भी बोलते हैं। ये देख लें भाईजान, स्टार फिश। और इसको ऑक्टोपस भी बोलते हैं। अच्छा ऑक्टोपस। कितने रुपए किलो है ये? थोड़ा कॉस्टली होता है भाईजान, ये 55 रुपए किलो होता है। 55 रुपए किलो, सही हो गया। ये ओमान से आता है। सही। और पाकिस्तान से भी आता है। अच्छा, अभी पाकिस्तान में सीजन नहीं है इसका। सही हो गया जी। और ये जिंदा आता है, और ये जिंदा होता है। ये कब तक जिंदा रह सकता है? ये 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अच्छा, और क्या नाम है इसका? मड क्रैब। मड क्रैब। और इसमें कुदरत की तरफ से एक शिफा भी है। अच्छा, जिस आदमी को सांस की कोई तकलीफ हो तो इसका सूप बना के अगर पिए तो इंशाल्लाह उसमें भी शिफा मिलती है। शिफा मिलती है सर। ये देख ले भाईजान, ये सारे जिंदा है। हिलाए इन्हें थोड़ा, पूरे जिंदा है। ये देखिए कैसे हरकत कर रहे हैं ये मड क्रैब। और ये उठाइए बड़े वाले, इसको क्रो फिश बोलते हैं सर। कौन सी फिश है? क्राई फिश। क्राई फिश, क्राई फिश। ये लोकल होती है यहाँ पे, ओमान से भी आती है। अच्छा, और इसको सिर्फ अरबी लोग ही खाते हैं। अच्छा, अरबी लोग लोकल ही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें क्या है। अच्छा, हम नहीं खाते ही नहीं। आप भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। अच्छा, खाने का वो नहीं है, लेकिन जिसको पता है वो ही खाता है। अरबी लोगों को मछली के बारे में ज़्यादा पता है जी, इसलिए अरबी लोग ज़्यादा खाते हैं। सही। और ये फिश है? ये ईल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईल फिश। अच्छा, और ये मिस्र से आती है। ये देख लें भाईजान, ये फिश जो है ये ईल फिश है, मिस्र से आती है। इसमें हड्डी नहीं होती, बगैर हड्डी के, बगैर हड्डी के होती है। सही हो गया सर। और इसके साथ एक बड़ा है कैनेडियन लॉबस्टर, ये उठाइए। ये कनाडा का लॉबस्टर है, ये लाइव भी आता है लेकिन मेरे पास अभी लाइव नहीं है। ये क्या नाम है इसका? कनेडियन लॉबस्टर। कनेडियन लॉबस्टर, कनेडियन लॉबस्टर। ये देख लें भाई जान, ये भरा हुआ है वैसे, आता है ये जिंदा ही है। अच्छा, तो इसके ऊपर ये लगाएगी ये? जी, जब जिंदा आता है ना इसके ऊपर लगा होता है ये, काटे ये काटे ना। अच्छा, काटता है मतलब? काटने की वजह से इसको प्लास्टिक लगाया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत टेस्ट है, इसका खाने में बहुत मजा आता है। और ये इसके साथ ये लॉबस्टर पड़ा है, ये दूसरा एक लॉबस्टर है, ये ओमान का लॉबस्टर है जी। ये सबसे सबसे महंगी तरीन मछली है, इसको कह सकते हैं आप दुनिया की महंगी तरीन मछली। महंगी तरीन मछली, तो इसको कह सकते। कितने की है ये? ये तकरीबन एक पीस 150 तक पड़ता है। 150 का एक पीस? एक पीस पड़ता है ये। सही। इसको सीधी करें दूसरी साइड से। ये देख लें भाईजान, दुनिया की महंगी तरीन मछली जो कि आपको दुबई में मिलेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये नहीं आती है। नहीं, पाकिस्तान से भी आती है। अच्छा, पाकिस्तान से भी आता है लॉबस्टर, पाकिस्तान से भी आता है, लेकिन ये ओमान का है। अच्छा अच्छा, ये ओमान आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कश्मीर वाली साइड से, वहाँ गिलगित, चित्राल, और वो आप बाइक पे ही ट्रैवल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। जी जी, बाइक पे ट्रैवल करना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो मुझे बहुत शौक है ये ट्रैवल करने का, मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ पर। सही हो गया। मैंने देखा जब आप यहाँ से ले रहे थे ना, वो बोल ले रहे थे, मैंने कहा मेरे जहन ये भाई तो वही, मैंने कहा ये है वही, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। सही, शायद वही है या मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था। ये देखें भाई जान कैसे स्टॉल लगाए गए हैं, और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तानी नज़र आए हैं। ये है जी दुबई की मार्केट। अब पाकिस्तान की मार्केट तो आपने देख ली होगी कि फ़िश मार्केट कैसी होती है। आज मैंने कहा आपको दुबई की मार्केट भी दिखा दें जहाँ पे फ़िश बनती हैं और सेल होती हैं। ये देखें, क्या नाम है इस चीज़ का? इसका टैगर श्रिम्प्स बोलते हैं। श्रिम्प्स बोलते हैं, टैगर श्रिम्प्स। कितने रुपये किलो है ये? 75। बाकी ये देखें फिश किस तरह की पड़ी हुई हैं, रेड कलर की हैं। और ये देख लें ज़रा,
यहाँ पे हर चीज़ का आपको ना एक साफ़ सुथरा सिस्टम है, यानी कि आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। जबकि हमारे जो उधर मछली होती है सेल, उन जगहों के ऊपर आप जाकर दे लें, इनके जो ऊपर से वो उतारते हैं, वो जो हार्ड टाइप के होते हैं, वो सारे नीचे फेंके हुए होते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी फिश है जी। अगर आपने यहाँ से लाइव किसी झींगे को लेना है, यानी कि जिंदा हालत में, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये ऊपर रेट लिखा हुआ है इसका, ऑस्ट्रियन रॉक लॉबस्टर है, इसका नाम है, 220 रुपये पर केजी है दिरहम। और ये नीचे देखें जिंदा है ये, या इस तरह भी देखें ज़रा, ये देखिए इसके ऊपर कैसे कांटे हैं, ये देख लें भाई जान, ये ले लें, ये सारे जिंदा है यहाँ पे जो रखे गए ना पानी के अंदर। ये देखें और ये जो है ये कैनेडियन लॉबस्टर है, 195 रुपये पर केजी है ये। यहाँ पे जो इसका नाम लिखा हुआ है, और ये जो है ये टर्बोट फिश है, 260 रुपये पर केजी है ये, 260 रुपये मतलब 260 दिरहम की है एक किलो। तो ये भी देखें ज़रा, यहाँ पे आपको अलग से अलग वैरायटी मिलेगी। ये सारे फिश मार्केट है जो कि दुबई के अंदर है। ये देखिए भाई जान कैसे कैसे जो है यहाँ पे ये झींगे डाइव की चीज़ पड़ी हुई है, ये सारे खाए जाते हैं यहाँ पे बड़े शौक के साथ। और इस साइड पे ये फिश रखी गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो सिस्टम वो सारा साफ सुथरा नज़र आएगा। इस साइड को भी देख लें, और ये कौन सी मछली है, उठाइए उठाइए इसे, ये देख लें भाई जी, इसके दो कलर हैं, एक ये वाला कलर दूसरी साइड कीजिए, ये वाइट है साइड पे। ये कितने रुपए किलो है, ये 25 है, 25 दे रहे हैं बिना कांटे की है, बगैर कांटे की है। अच्छा, इसके अंदर कांटा नहीं है, पूरा मीट है। ये मैकरल है, क्या नाम है इसका, मैकरल ये केजी का 15 है जी, 15 पर किलो। अच्छा, 15 पर केजी हो गया। और ये स्क्विड है, खाइए इसे, स्क्विड है ये केजी का 35 है। ये देख लें भाई जान कैसे दा, और ये केजी का, ये प्रॉन्स है, प्रॉन्स प्रॉन्स सही हो गया। और ये क्रैब से, क्रैब और अंदर ये इस फिश का नाम क्या है, ये सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इब्राहिम। अच्छा, ये हमूर है, अनूर हमूर हमूर। ये देख, ये कितने रुपए किलो है, ये 25 दिरहम। और ये छोटी छोटी, ये 10 दिरहम है, क्या नाम है इसका, सर्दी ने, सर्दी बोलो भाई, बोलो भाई, मत्ती छोटा मत्ती भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसे, ये गरफा है, गरफा आला किलो है, ये किलो 15 है, किलो 15 दिरहम 1 केजी। इसके बाद आगे बताइए, ये शहरी है, शहरी हाँ शहरी शहरी कितने रुपए किलो है जी, ये किलो 15 भी है, 20 रुपया भी है, सही, ये बड़ा वाला शहरी इसको बोलता है, ये सुपर है, ये का है या पाकिस्तान से, ये ओमान से, ओमान से। अच्छा, ये वाला जिश बोलता है इसको, ये बड़ा वाला जिश बोलता है, बताइए इसे, बट्टा बारा भी बोलता है, जिश जिश हाँ चापर जिश बोलता है। कितने रुपए किलो है ये, मन 60 रुपए किलो 15। अच्छा, किलो 15, 2 किलो 25, 4 किलो 50 दरम आता है, सही हो गया। ये बड़ा वाला कोरर शहरी बोलता है, फर्श, क्या बोलता है, फर्श। ये देख लें भाई जान कितने रुपए किलो है, ये किलो 10 रुपए, 10 रुपए किलो, हाँ 10 रुपए किलो ये होता है। ये भी इधर ओमान का, ओमान का हो गया, ये टोटल मच्छी ओमान से आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से भी आई हुई है, पाकिस्तान से वो छोटी छोटी आई हुई। ये है जी शैल, कितने रुपए किलो है, ये किलो का 20 दिरहम, हाँ 20 दिरहम पर केजी, यस लाइफ है, जिंदा वाला है। तो आपने खुद ही फ़र्क देख लिया होगा कि पाकिस्तान की फ़िश मार्केट है और जो यहाँ की दुबई की फ़िश मार्केट, इसके अंदर फ़र्क क्या है, भजन बहुत फ़र्क है, मैंने तो ये चीज़ नोट की है। तो साफ़ सुथरा सिस्टम है यहाँ पे, कोई यानी कि गंदगी वगैरह नहीं है, हर चीज़ आपको साफ़ मिलेगी,
तो इसी के साथ दीजिए अपने भाई मोहम्मद अदनान को इजाज़त। मिलेंगे एक नई सीरीज़ के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।